डीएनएक्सटीवी, मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, एक्टिव मरीजों की संख्या 235 पहुंची। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज फिर 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के ट्वीट के मुताबिक राजनांदगांव में 12 व बेमेतरा में 2 मरीज पाए गए हैं। इसी के साथ कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब प्रदेश में 235 हो गई है। राजधानी रायपुर का ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब बनेगा शहर के आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजधानी रायपुर का ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब, विवेकानंद सरोवर आने वाले समय में तेलीबांधा तालाब जैसे ही शहर का आकर्षण केंद्र बनेगा। बूढ़ा तालाब की साफ सफाई के बाद योजनाबद्ध रूप से बूढ़ा तालाब का सौंदर्यकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज दोपहर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के साफ सफाई के बाद अवलोकन किया। भूपेश बघेल ने इस माह की 11 तारीख से नगर निगम रायपुर द्वारा बूढ़ा तालाब की साफ सफाई के लिए चलाए गए अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिन रात मेहनत करके बूढ़ा तालाब से जल कुंभी और कचरा निकाला गया है, अब तालाब का पानी साफ दिख रहा है। दरभंगा से 300 यात्रियों को लेकर चली ट्रेन में 34 घंटे नहीं मिला खाना पानी, ट्वीट कर मांगी मदद, तब भूख से तड़प रहे बच्चों को पहुंचाई गई राहत। बिहार के दरभंगा से दुर्ग के लिए रविवार सुबह 300 छत्तीसगढ़ वासियों को लेकर निकली ट्रेन में 34 घंटे तक ना तो पानी मिल पाया और ना ही खाना। भूख प्यास से तड़प रहे बच्चों, महिलाओं व बुजुर्ग की हालत खराब होती जा रही थी। दौरान ट्रेन में सफर कर रही माधुरी धारीवाल और रायगढ़ से आ रहे कुंदन शाही ने ट्वीट कर व व्हाट्सअप कर मदद मांगी। इस मैसेज को किसी व्यक्ति ने रेलवे अफसरों के साथ बिलासपुर आईजी दीपांशु काबरा को ट्वीट कर मदद करने को कहा। आईजी ने बिलासपुर जोन के रेलवे अफसरों के साथ कटनी सतना के पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें इसके बारे में सूचित किया। इसके बाद रेलवे व पुलिस के सामंजस्य में सतना में 300 यात्रियों को पानी के बोतल व खाना उपलब्ध कराया गया। देश में कोरोना के मामले 1,45,000 पार, 24 घंटे में 6,535 नए केस और 146 मौतें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन और अलग अलग तरह की पाबंदियां लागू है, मगर तब भी इसकी रफ्तार में कमी देखने को नहीं मिल रही है। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेज गति से बढ़ता ही जा रहा है और इसके पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,45,000 के करीब हो गई है। अब देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1,45,380 पहुंची है, जिनमें से 4,167 लोगों की मौत हुई है और 60,490 लोग ठीक हो चुके हैं। बात करें पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और 146 मौतें हुई हैं। पाकिस्तान हमारी प्रिय मातृभूमि है कहने वाली शिक्षिका ने मांगी माफी। कक्षा 4 के बच्चों को अंग्रेजी की ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान पाकिस्तान को लेकर दिया गया विवादित उदाहरण तूल पकड़ता जा रहा है। जीएन पब्लिक स्कूल की शिक्षिका सादाब खानम पर जहां पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई, वहीं विद्यालय भी शिकंजा कस रहा है। इस मामले में शिक्षिका सादाब खान ने सोमवार को पुलिस को माफीनामा लिख कर दिया है। इसमें उन्होंने गलती से पाकिस्तान से जुड़ी सामग्री ग्रुप में पोस्ट हो जाने की बात कबूल की है। उन्होंने भविष्य में ऐसी गलती ना करने की बात भी लिखी है। लुधियाना में आरपीएफ के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव, 100 जवान क्वारंटाइन किए गए। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, करीब 100 जवानों को क्वारंटाइन किया गया है। यह जानकारी रेलवे सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल ने दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना वायरस को हरा देंगे, लेकिन अब 60 दिन बाद हमारे देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। राहुल बोले कि लॉकडाउन का मकसद पूरी तरह से फेल हो गया है। लखनऊ और उन्नाव में कांग्रेस नेत्री लांबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेत्री अलका लांबा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि यह मुकदमा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रीति वर्मा के तहरीर पर दर्ज किया गया है। पताल लोक पर बीजेपी नेता के समर्थन में फिल्म मेकर ने अनुष्का शर्मा पर बोला हमला, लपेटे में विराट कोहली भी। अनुष्का शर्मा निर्मित पहली वेब सीरीज पताल लोक को लेकर विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बीजेपी नेता के समर्थन में अनुष्का शर्मा पर हमला बोला है। खास बात यह है कि इस हमले के लपेटे में अनुष्का शर्मा के पति विराट कोहली भी आ गए हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने किया संन्यास का ऐलान। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अपने संन्यास को लेकर एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि वे क्या चाहते हैं। मोहम्मद हफीज ने कहा है कि वो पाकिस्तान की टीम के लिए अपना अगला T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। दक्षिण दिशा हमारा नेम और फेम का स्थान माना गया है, जहाँ से हमको नाम और समृद्धि मिलता है। कई बार आप देखते होंगे आपके पास पैसे तो बहुत है, आप अपने जीवन में सफल है, लेकिन आपको यश नहीं मिलता। तो यश को प्राप्त करने के लिए घर के दक्षिण दिशा में, ड्राइंग रूम के दक्षिण दिशा में आप पेड़ पौधे वाला सीन जरूर लगाएं, या जंगल का सीन लगा दें जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हों, या आप ऐसा कोई सामान रखें जो लकड़ी से निर्मित हो, जैसे बेंबू से निर्मित कोई सामग्री आप दक्षिण दिशा पे अगर लगाते हैं तो वो आपका नेम और थीम का जो कोना है वो विकसित होता है।